हमें यहाँ से निकलने के लिए चाह भी ढूंढनी होगी। यहाँ बहुत डरावना है, बस मुझसे बहुत दूर मत जाना। ओ, ये तिजोरियाँ क्या है? उनके पास एक ताला है। क्या यहाँ सब कुछ ताला और चाबी के पीछे होगा? ओ देखो, इस बॉक्स पर एक चाबी बना है। चलो देखिए अंदर क्या है। अच्छा आइडिया डैन, मुझे अब चाबी मिल जाएगी। ओ मुझे आशा है ये कैंडी की एक प्लेट है। हालांकि नहीं, कुछ चल रहा है, मुझे चाबी लेनी है। ओ मैंने इसे ढूंढ लिया। कितना डरावना, ये कीड़े का कटोरा था। ओ, कम से कम मुझे चाबी मिल गई। ये पहले से भी बहुत अच्छा है। तो इस तिजोरी में क्या है, मुझे ये जानना है। मुझे परेशान करने की हिम्मत किसने की? दरवाजा बंद करो। तिजोरी के अंदर एक भयानक शेर है। तुम क्या कह रही हो, मैं अब नजर डालता हूँ। ओ दरवाजा बंद करो, मैं सो रहा हूँ। मियाँ मेरी रक्षा करो, मैंने तुमसे कहा था। ओ देखो, बॉक्स अपडेट किया गया है। चलो जाने की इस बार क्या है, लेकिन अब तुम। और अगर मुझे सच्ची में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, मैं इसे अब छूंगा। ओ यहाँ कुछ जिंदा है। मैं अभी भी हाथों से बहुत सारी उपयोगी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन चाबी कहाँ है? शायद यहाँ। मुझे माफ करना मिस्टर साहब, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ओह कितना खराब। ओह छी, लेकिन मुझे चाबी मिल गई। अब चलो तिजोरी खोलते हैं। मुझे लगता है कमरे की चाबी जरूर होगी। ओह नहीं। तुम्हें कैसा लगा डैन, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तुम्हें निश्चित रूप से एक प्रैंक के साथ वाली तिजोरी चुना। बेहतर होगा तुम बॉक्स को देखो, इसे फिर से अपडेट किया गया है। फिर अब मुझे पता चलेगा कि अंदर क्या है। What? यहाँ कुछ समझ से बाहर है, कुछ घिनौना। मुझे आशा कि स्नॉट नहीं हो, प्लीज प्लीज। और यहाँ वह है। कितना गंदा, क्या ये सच्ची में स्नॉट था? ठीक है, चलो इसे भूल जाओ और तिजोरी खोलो, यहाँ निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। काश ये चाबी हो। पीकाबू, यहाँ कौन है? नहीं, मुझ पर हमला किया जा रहा है, बचाओ। डैन, मुझे लगता है मेरे मन में अब एक नया डर बैठ गया है। ओह, बॉक्स पहले ही अपडेट हो चुका है। क्या मुझे चाबी खोजने की जरूरत है? काश ये कुछ जिंदा ना हो। और यहाँ भी कुछ घिनौना है, पता नहीं यहाँ क्या है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है, एक ब्रेन की तरह लग रहा है। ओह हुरा, चाबी मिल गई। तो यह क्या था, तुम सोच रही हो और मैं तिजोरी खोलूंगी, अंदर क्या होगा? वाह छोटा बच्चा, कितना प्यारा, यहाँ इतनी शांति से कौन सो रहा है? ये छोटा स्केलेटन है, इसे हटाओ यहाँ से। ओह बॉक्स को फिर से अपडेट किया गया है, हम जेल की चाबी के करीब है। केवल अब तुम चाबी की तलाश करोगी? हाँ कोई बात नहीं, यहाँ कुछ नरम और चौकोर है, मुझे लगता है चाबी अंदर है, हमें इसे तोड़ने की जरूरत है। वाओ ये जेली की तरह लग रहा है। ओह ये कितना कड़ा है, लेकिन मैं कर लूंगी, तोड़ना मुश्किल हो रहा है। लगता है मैं चाबी के करीब हूँ, थोड़ा और। हाँ चाबी मिल गई, हुर्रे। ओह मेरे हाथ स्लिपरी है, तिजोरी में क्या होगा? बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे नरक में खींचा जा रहा है। मैं ये होने नहीं दूंगा, चलो लड़ो। क्या तुम ठीक हो? बढ़िया, क्योंकि बॉक्स पहले ही अपडेट हो चुका है, हमें चाबी ढूंढनी होगी और यह मेरी बारी है। कितना बुरा है। अरे नहीं, मैं निश्चित रूप से उन्हें कहीं भी पहचान लूंगा, मैं चूहों से बहुत डरता हूँ। ठीक है मिस्टर माउस, मैं चाबी के लिए आया हूँ, मुझे मत काटो। ओ यहाँ चाबी है। ओ नहीं, यह चाबी नहीं है। ओ, उसे जाने दो, उसे जाने दो। लेकिन ये चाबी कहाँ है? ओ वह यहाँ है आखिरकार। चलो अब तिजोरी खोले, अंदर क्या है? मिया, मैं गीला हो गया हूँ, मुझे आशा है कि यह खून नहीं है। लिक्विड लाल क्यों है? क्या यह खून है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खून से डर लगता है। मिया जागो, आओ चलो अपने होश में आओ, अब चाबी ढूंढने की तुम्हारी बारी है, मैं इसे फिर से नहीं करना चाहता। ठीक है कोई बात नहीं, अंदर कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। कुछ गोल और इलास्टिक, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी का सिर से खेल रही हूँ। ओह क्या कुछ मुलायम सा है, मुझे पसंद आ रहा है यहाँ। ओह और यहाँ चाबी है, हमें जल्द से जल्द तिजोरी खोलने की जरूरत है। हो सकता है यहाँ चाबी हो। यहाँ क्या होगा? वाह किसी तरह का बटन। डैन क्या तुम इसे दबा सकते हो? चलो बेहतर होगा अगर तुम दबाओ। ठीक है मैं दबा रही हूँ, यहाँ क्या होना चाहिए? ओ डैन यह क्या है, मैं पूरी तरह से कोई लिक्विड में ढक गई हूँ, मुझे आशा है ये चॉकलेट है। ओह
वाओ डेन, तुम्हारे लिए तिजोरी आ गई है। जाओ इसे खोलो। मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे कि अंदर क्या हो सकता है। तो कुछ फिर से चल रहा है, लेकिन चाबी कहाँ है? ओह, कहाँ है चाबी? ओह, मैंने इसे ढूंढ लिया, लेकिन अंदर क्या था? ओह नहीं, मैं केवल चूहों से ज्यादा बड़े तिलचट्टे से डरता हूँ। ये मेरी उंगली के साइज का है। ओह, हमें जल्दी तिजोरी खोलने की जरूरत है। अंदर क्या है? ओह मिया, मिया, मैं ना हिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक ही हेरी मकड़ी मेरे चेहरे पर है। इसे दूर हटाओ। ये एक सुपर बड़ी मकड़ी है। क्या तुम मेरी मम्मी को बता सकती हो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ? मैंने उसे हटा दिया। यह बहुत डरावना था। मिया, बॉक्स जल्दी खोलो। फिर से? ओह, यह कैसे संभव है? मुझे आशा है कि अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है। छी, फिर से कुछ घिनौना। मुझे सब कुछ बुरा क्यों लगता है? ठीक है, चलो चाबी पर ध्यान देते हैं। ये सब मुझे पूप की एक प्लेट की याद दिला रहा है। कितना बुरा है। कोई गन नहीं है, वह उससे अच्छा है। ओह, मुझे चाबी मिल गई। ओह, यह वह नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, है ना? यह चॉकलेट है। वाह, कितना स्वादिष्ट। वाह, कम से कम कुछ अच्छा मिला। मुझे तिजोरी खोलने की जरूरत है, वहाँ एक चाबी जरूर होगी। हाँ। ओह वाह, यह तो बहुत अच्छा है। और इसने कुछ भी नहीं किया। अरे वाह, इसके अंदर तो चाबी भी है। चलो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हुर्रे, हमने इस खौफनाक कमरे को पार कर लिया। चलो यहाँ से जल्दी से निकलो। मुझे आशा है मैं इसे बुरे सपने की तरह भूल जाऊंगा। ओह, क्या चाबी फिट होता है? हुर्रे, चलो भागो। ओह, क्या पिज्जा इतना छोटा क्यों है? और जॉन का साधारण है। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। वाओ क्लोए, क्या इस आकार का पिज्जा भी मिलता है? अपना चश्मा पोछो नर्ड। मेरा पिज्जा देखा, यह मिलता है, लेकिन एमा सबसे पहले खाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास एक सुपर छोटा पिज्जा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। चलो मेरा हो गया। यह स्वादिष्ट था, लेकिन पेट खाली है। हाँ हाँ, अब मेरी बारी है। मुझे अपना पिज्जा खाना शुरू करना होगा। वाओ, चीज इतना स्ट्रेची है। तो तुम मेरा पिज्जा चोरी करने की कोशिश भी मत करो। ओ, रुको, यह तुम्हारा नहीं है। मैंने सभी टुकड़ों को गिना था। चलो वापस खाने पर आते हैं। मेरे पास दो और हैं। इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ और अब खाऊंगा। वाओ, कितना चीज़ी है। चलो अब तुम्हारी बारी है क्लोई। मुझे बताने के लिए धन्यवाद नर्ड। चलो पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। वाओ, मेरे पास निश्चित रूप से एक साल के लिए काफी पिज्जा है। वाओ दोस्तों, मुझे माफ करो, लेकिन यह हिस्सा केवल मेरे लिए है, इसलिए मैं उसे शेयर नहीं कर सकती। सभी टुकड़ों के लिए पेट में काफी जगह है। मैं रुक नहीं सकती। तुम्हें रुकना चाहिए। तुम इतना कहाँ फिट कर पा रही हो? ओ नहीं, मेरा पेट, वो इतना बड़ा हो गया है। तुम क्यों हंस रहे हो? मेरी मदद करो। एमा प्लीज, यह काम बिल्कुल मेरे लिए है। चलो क्लोई, अपनी जगह से निकल जाओ। ठीक है क्लोई, यह ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल या क्लोई है, क्या तुम पहले मिले हो और अब हम दोस्त बनने वाले हैं। क्लोई आलसी मत बनो, एवरेज स्पीड और दौड़ो। जल्दी क्लोई, पिज्जा के एक स्लाइस के लिए। चलो दौड़ो, चलो चलो और करो। ओह चलो और। ओह, क्या तुम इसे मुझे तुरंत दे सकती हो? ये इतना स्वादिष्ट है। और हो गया। वाओ क्लोई, तुम पहले से भी बेहतर दिख रही हो। तो चलो एक फोटो लेते हैं। और यह क्या है? मेरे प्लेट में कोई टुकड़ा है, खाना का है? मेरे पास बड़ा मार्शमेलो है। और यह क्या है? ओह चलो, इधर देखो भी मत। चलो अपना खाओ। ठीक है। वैसे मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं अपने छोटे मार्शमेलो को पकाऊंगी ताकि यह तुम सभी की तुलना से बेहतर स्वाद दे सके। एक फ्राइंग पैन में मार्शमेलो को भूनूंगी और इसे निकालती हूँ। बहुत बढ़िया। और अब इसे खाती हूँ। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट था। चलो अब तुम कर सकती हो। बढ़िया, मैं भी अपने मार्शमेलो को भूनना चाहती हूँ। हम इसे एक स्टिक पर डालते हैं और बर्नर निकालते हैं। एक छोटे से आग से भूरे रंग का स्वादिष्ट ट्रीट। वाओ, कितना सुंदर सुनहरा रंग है। चलो इसे खाती हूँ। वाओ, यह स्वादिष्ट है।
अद्भुत, मुंह में घुलता जा रहा है। जॉन तुम शुरू कर सकते हो। हाँ आखिरकार मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं इस मार्शमेलो को पूरी तरह से भूनने जा रहा हूँ। ज्यादा आग की जरूरत है। ओह बिल्कुल सही रंग। वाह और क्या महक है। तो ऐसा लगता है सब कुछ तैयार है। अब मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। ओह कितना क्रिस्पी हो गया मुझे लगता है। आ जॉन तुम एक जंगली जानवर की तरह कर रहे हो। हाँ मैं हूँ। क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात। क्या हुआ अम्मा। वाह ये पॉपकॉर्न की मेरी बकेट है। अरे मेरा साइज देखो, ये बहुत सारे पॉपकॉर्न है। वाह और तुम्हारे बारे में क्या। ओ जॉन ये सच्ची में सबसे छोटा पॉपकॉर्न है जिसे मैंने कभी देखा है। तो क्या यह स्वादिष्ट है या पक्का है। लेकिन मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। ओ हाँ मेरे पास एक विशेष बीम है। हमें इसे आजमाने की जरूरत है। इसे जगह पर रखते हैं, प्रोटेक्टिव चश्मा लगाते हैं और चालू करते हैं। ओ तैयार हो जा। वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अरे क्या यहाँ क्या हो रहा है। क्या वो और भी छोटा हो गया है। हमें योजनाओं को फिर से देखने की जरूरत है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो इसे फेंक देता हूँ मशीन को और मैं इसे खा जाता हूँ। चलो अब तुम करो। बढ़िया चलो अब यह खाते हैं। वाह यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं सब कुछ जल्दी से खाने जा रही हूँ। एमा तुम सुपर फास्ट हो। आखिरी बचा है। सभी अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है। मेरा हो गया तुम्हारी बारी है। वाह आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट का मजा ले सकती हूँ। मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। चलो मैं पहली हूँ। चलो ओह मेरे साथ भी शेयर करो। ओह यह कितना स्वादिष्ट है और यहाँ बहुत सारे हैं। और चलो मैं और पकड़ता हूँ। क्या मेरा खत्म हो गया। ओह चलो मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। ठीक है। क्या इतना छोटा सा प्रिंगल्स। अरे नहीं जॉन तुम सिर्फ एक लूजर हो। मेरे पास बड़ा पैक है। हालांकि नहीं यह चिप्स का मेरा विशाल पैक है। क्या जॉन ठीक है तुम पहले शुरू कर सकते हो। ओह अच्छा है। चश्मे के साथ भी इस पैकेज को देखना मुश्किल है। मेरा माइक्रोस्कोप निश्चित रूप से यहाँ काम आएगा। चलो खाते हैं। ओह मैंने सब गिरा दिया और तुम्हें बस मुझ पर हंसना है। ठीक है एमा तुम्हारी बारी है। बहुत बढ़िया एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। अब मैं तुरंत सभी चिप्स बाहर निकालती हूँ। तैयार देखो कितना अच्छा मैंने फिंगर स्केट खरीदा है। है ना अच्छा। ठीक है अब मैं प्रोफेशनल की तरह स्केटिंग करूँगी लेकिन उंगलियों पर इस तरह। यह मेरे मुंह में कुछ चिप्स फेंकने का एक शानदार तरीका है। ठीक है दोस्तों मेरा हो गया। क्लोई तुम जारी रख सकती हो। ठीक है तुम कितनी धीमी हो। मुझे बहुत भूख लगी है। अब चलो पैकेट को खोलते हैं और खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। कितना बड़ा सा प्रिंगल्स चिप्स है। हाँ इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि मैं उन्हें अपने मुंह में डालूं। ओ नहीं ये बहुत बड़ा है। आउच कोई मेरी मदद करो। दोस्तों मेरा बैलेंस खराब हो रहा है। मैं गिर रही हूँ बचाओ। और क्लोई वैसे कुछ चिप्स बाकी है। एमा चलो खाते हैं। तो हमें इस दुनिया का सबसे छोटा बर्गर खाना होगा। मेरे पास एक सामान्य बर्गर है। क्या इससे भी बड़ा होता है। निश्चित रूप से होता है। इस बड़े से बर्गर को देखो। वाह चलो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। यह मुझे दो और यह भी। मैं बढ़िया सा गुलेल बना सकता हूँ और यह तैयार हो गया। अब तुम सब देखोगे कि मैं अपने मुंह में बर्गर कैसे फेंकता हूँ। क्या तुम तैयार हो। ये पकड़ लिया। क्या तुमने इसे देखा। यह बहुत अच्छा था। चलो क्लोई अब तुम जारी रखो। बढ़िया मुझे बहुत ही भूख भी लग रही थी। यह कितना रसदार और स्वादिष्ट है। मुझे बर्गर बहुत पसंद है। दोस्तों क्या मेरा चेहरा साफ है। सब कुछ ठीक है। क्लोई तुम फनी लग रही हो। बहुत अच्छा तो एमा जारी रख सकती है। क्यों नहीं लेकिन इसे बेहतर तरीके से कैसे खा सकती हूँ। ये बहुत बड़ा है। ओह हाँ मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। अब मैं इसे चपटा करने जा रही हूँ। तैयार हो गया। यहाँ ऐसा साइज है जिसे मैं निश्चित रूप से खा सकती हूँ। चलो जल्दी खाती हूँ। वाह दोस्तों ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह मैंने बहुत खा लिया। क्या मुझे इतना छोटा डोनट क्यों मिला है। और दूसरों के पास क्या है। खैर आखिरकार मैं लकी हूँ एक बड़ा डोनट। हालांकि रुको
बड़ा नहीं। एम्मा, क्या तुम्हारे पास फिर से विशाल डोनट है? मैं वास्तव में लकी हूँ, लेकिन क्लोई शुरू करेगी। मैं ठीक है, मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ, बस हो गया। जॉन, तुम अपना डोनट खा सकते हो। Okay. हाँ, सच में वाव, वाह कितना स्वादिष्ट है, मुझे डोनट्स बहुत पसंद है। लेकिन एम्मा, मैं ये सच में जानना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे खाओगी। चलो खाओ। ठीक है, मैं बिना मतलब के जिम नहीं जाती हूँ। डोनट को खींचने से पहले अच्छी से तैयारी करनी होगी। अपने हाथों पर थोड़ा सा पाउडर सही तरीके से पकड़ना है और तब मैं इस बड़े से डोनट को उठा सकती हूँ। मुझे बहुत मजबूत होना है। अरे वहाँ पर कौन है? अरे हटो, ओ मैं गिर रही हूँ। एम्मा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ या कहाँ। क्या तुम अभी भी सो रही हो? 8 बज गए हैं, मैं तुम्हें अभी जगाती हूँ। जेन उठो। मम्मी आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं समझ गई, यदि तुम खुद उठना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालूंगी। उठो। यदि तुम खुद को साफ सुथरा नहीं करना चाहती हो तो जल उपचार खुद तुम्हारे पास आएगा। माँ तुम क्या कर रही हो? हैप्पी बर्थडे डियर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। इसे जल्दी खोलो, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। मम्मी ने मुझे क्या दिया? किताब। मुस्कुराना कैसे सीखे? थैंक यू मम्मी, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद है, कपकेक। अब मैं अपनी सबसे सीक्रेट विश मांगूंगी और मोमबत्ती बुझाऊंगी। धन्यवाद माँ, मैंने इसे सुबह सुबह बनाया है, जल्दी करो और खाओ। मिस फेबी, उठो, खिड़की के बाहर कितना अद्भुत दिन है। ओह वह कितने अच्छे से सो रही हैं। मिस फेबी गुड मॉर्निंग, इस अद्भुत दुनिया के लिए अपनी खूबसूरत आंखें खोलो। ओह गुड मॉर्निंग की, और तुमने पहले से एक आदर्श सुबह के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। मेरे फेवरेट सोने के पैच, अब मैं इसे आंखों पर लगा लेती हूँ ताकि नींद की कमी के लक्षण गायब हो जाए। ओह क्या तुम्हें याद है? धन्यवाद, बेशक मुझे याद है, आज आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे, एक अच्छे से विश मांगे। चलो इसे चखती हूँ। ये बेकार है, शायद कुछ और होगा। मेरे गिफ्ट कहाँ है? ओ ये गोल्डन बैग पक्का मेरे लिए है, इसमें क्या होगा? नए जूते, बैग, मुझे अब पैच की जरूरत नहीं है, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। चलो गिफ्ट खोलती हूँ। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? एक नया आईफोन। कूल, चलो खोल कर देखते हैं कि नया कैमरा कैसा है। मुझे सभी सोशल नेटवर्क पर कूल पिक्चर पोस्ट करने हैं। ओ स्माइल, और अगर ऐसा हो तो, और सभी गिफ्ट्स के साथ। ओ मैं एक तरह से थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, अब तुम जा सकती हो। ओह वो वहाँ इतनी देर से क्या कर रही है? हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है और उसे स्कूल के लिए भी। ओह और यहाँ ये अभी निकली है। ओह सिस्टर तुम्हें जल्दी करना चाहिए था। ओह मुझे ये चुनने की जरूरत है कि आज स्कूल में क्या पहनना है। मेरे पास कितना ज्यादा चॉइस है, एक पूरी ड्रेस लेकिन बहुत सुंदर। चलो तैयार हो जा। वाह आज हर कोई मेरी तारीफ जरूर करेगा। अरे ये जीन्स गंदे हैं, मैं इस तरह स्कूल नहीं जा सकती, सभी मुझ पर हंसेंगे। और ये मेरी अलमारी में एकमात्र और सबसे अच्छी जीन्स थी। ओह मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अब मैं आपके साथ एक लाइफ हैक शेयर करूंगी जो मुझे टिकटॉक में मिला। मुझे मैगजीन की अच्छी कटिंग, ग्लू और एक ब्रश की जरूरत है। हम ब्रश पर ग्लू लगाकर मैगजीन की कटिंग पर लगाएंगे और अपनी जीन्स पर चिपका लेंगे, और अब हम इस पर ब्लीच स्प्रे करेंगे। वाह बढ़िया, अब उस जादू को देखो जो मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ। और इतनी पुरानी गंदी जीन्स कूल फैशनेबल जीन्स में बदल गई। तो आज इस रानी को क्या पहनना चाहिए? ओह कितने अफसोस की बात है कि दर्पण मुझसे बात नहीं कर सकता, इसे मुझे बताना चाहिए कि आज क्या चुनना है। मेरे पास बहुत कम जूते और कपड़े हैं, मुझे मिलान के लिए उड़ान भरनी चाहिए और अपनी अलमारी को अपडेट करना चाहिए। सब कुछ कितना पुराना है। चलो मेरी नौकरानी यह मेरा काम कर देगी। हाँ मिस फीवी, क्या हुआ? ओह यह रेड कोड है जिसका मतलब है कि पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं समझ गई, मैं सब समस्या सुलझा लूंगी और सीधे फ्रांस से सारी शॉपिंग करके लेकर आती हूँ। मैं आ गई, यह लीजिए आपके सामान। वाह धन्यवाद केम, और लेकिन अगली बार थोड़ा जल्दी करना। ओह वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। वाह अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। मेरा स्कूल, मुझे आज भी देर नहीं हुई। हेलो दोस्तों,
क्या हुआ बेबू, सच में हमसे बात कर रही है? इस शानदार गुलाबी कार से कौन आया है? अटेंशन, हम स्कूल पहुंच गए हैं। हमें स्कूल के गेट तक मिस फीवी के लिए गुलाबी कालीन फैलाने की जरूरत है ताकि उनके महंगे जूते गंदे ना हो। आप बाहर आ सकती हैं। ओह आखिरकार, हेलो दोस्तों, मैं फीवी हूँ। मैं आपकी नई क्लासमेट हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कम से कम कोई तो ऐसा होगा जिसके पास मेरे जितना पैसा होगा। वाह, वो बहुत अच्छी लग रही है, चलो। ओह, हमें क्लास जाना होगा नहीं तो मम्मी से शिकायत कर देंगे टीचर। जल्दी करो प्लीज, मेरे बॉक्स में कोट डालो। ये याद रखना बहुत मुश्किल है। बढ़िया, वाह, यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। और आज मुझे जरूरत है, वो कहाँ गया? ओह हाँ, ये इधर है, मेरा छोटा बैग। मुझे उस नोटबुक को इसमें डालना है। अच्छा किया, शाबाश। ओह, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। आउच, ओह माफ करना। ये कौन है? हेलो, वाह कितना अच्छा, फीवी ने मुझे हेलो कहा। मुझे सभी किताबों को इकट्ठा कर जल्दी से अलमारी में रखना होगा। ओह, मेरे पास कितनी मोटी किताबें हैं। ओह, यहाँ मेरी पुरानी कुकी है, मेरी माँ ने मुझे एक साल पहले दिया था। थोड़ा खाती हूँ, स्वादिष्ट। मेरा बॉक्स बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन क्या? ओह हाँ, यह सही है, मेरे पास मरम्मत के बाद भी वॉलपेपर का एक टुकड़ा है और बस कुछ फेवरेट चीजें हैं। मैं इसे कूल देखने के लिए दरवाजे पर चिपका देती हूँ। वाह, ये बहुत प्यारा निकला, मुझे ये पसंद है। सब कुछ जो मुझे पसंद है वो यहाँ जमा किया गया है। कितना बढ़िया है ना, अच्छा। लेकिन ये मेरे क्लास जाने का समय है, टीचर पक्का मेरी मम्मी को शिकायत करेगी। जल्दी करो और भागो। बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर मैथ असाइनमेंट देखो, यह इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि हम इसे लाख बार कर चुके हैं। चलो, मैं सारे उत्तर लिख दूंगी। यह अच्छा हुआ कि मैंने घर पर टेस्ट के लिए तैयारी कर ली थी, बस नंबर लिखना है। अरे पेंसिल टूट गई है, यह अच्छा नहीं हुआ। और मेरे पास कोई दूसरी पेंसिल भी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद बैग में होगा। नहीं, कम से कम कैंडी है। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया, मैं इन रंगीन कैंडी से अच्छा वाटर कलर बना सकती हूँ और कैंडी को प्लेट में रखती हूँ, थोड़ा पानी डालती हूँ और स्वादिष्ट पेंट तैयार है जिसके साथ में मैथ्स टेस्ट परीक्षा को हल कर सकती हूँ। कूल, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है इसलिए ये बहुत आसान है। और मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है, मैंने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और मुझे इसकी क्या जरूरत है, कोई भी क्रैमर मेरे लिए काम आसानी से कर देगा। चलो तुम मेरी मदद करो, मैं बदले में पैसे दूंगी। नहीं, ओह तो ठीक है, फिर इतना पैसे के लिए तो तुम करोगी ही। यस, हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगी। तो काम कैसा चल रहा है? समय समाप्त हो गया है, अपने पेपर दे दो। पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। ओह, टीचर ने चेक कर लिया, मुझे क्या मिला? हुरे, मैंने बहुत अच्छा किया, A+। और मुझे क्या मिला? क्या सब गलत है? F? अरे, तुम्हें सब सही करना चाहिए था। हाँ, मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया। हुरे, घंटी बज गई। आखिर अब हम कुछ खा सकते हैं। किम, प्लीज मेरे डेस्क से किताब को हटा दो। हाँ धन्यवाद। और अब मुझे टेबल सेट करने की जरूरत है ताकि मैं लंच कर सकूं। शेफ ने मेरे लिए क्या पकाया है? क्या ये मछली है? कितना घिनौना, इसे जल्दी से हटाओ, मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लाओ। आशा है कि मैं आज भूखी नहीं रहूंगी। इस बार क्या है? ओह पिज्जा, ये तो मेरा फेवरेट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरी मम्मी मेरे लिए लंच पैक करती है, ये हमेशा मेरे लिए प्यारे नोट छोड़ती है ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझसे प्यार करती है। वाओ, मेरा फेवरेट कैट सैंडविच, स्वादिष्ट। सैंडविच और प्यारे नोट कैसे होते हैं? और मेरे मम्मी पापा हर समय काम करते रहते हैं। जेन, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, चलो लंच स्वैप करते हैं। बढ़िया, वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट पिज्जा है, धन्यवाद। यह पार्टी मस्त है। जेन, एक तरफ खड़े मत रहो, हमारे साथ आओ। यह कॉकटेल तुम्हारे लिए है फीवी। अरे, मेरी नई ड्रेस बर्बाद हो गई है, किसने धक्का दिया? उफ, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? सिर्फ एक कॉकटेल मेरे ऊपर गिरा है। ओह, कितने शर्म की बात है, मैं जा रही हूँ। अब कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहेगा,
यहाँ तक कि पैसे के लिए भी नहीं। कितना बुरा। फीवी तुम ठीक तो हो ना? ओ मैं समझ गई, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। फीवी क्या तुम मेरा स्वेटर पहनोगी? मेरी दादी ने इसे मेरे लिए बुना था। यह लो, अब तुम्हारे पास कोई ढीला डाला स्वेटर नहीं बल्कि एक कूल ड्रेस है। चलो मजा करते हैं। मैं रॉक करने के लिए एक नए ड्रेस में वापस आ गई हूँ। तुम्हें मेरी नई ड्रेस कैसी लगी? ये वास्तव में बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद जैन, चलो सब डांस करें।